नगर के प्रसिद्ध डॉक्टर कुंदन गुप्ता के शुभम क्लिनिक पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 183 मरीजों ने स्वास्थ्य परीक्षण करवाया, जिसमें 33 महिला मरीज, 17 बच्चे मरीज, 22 हड्डी के मरीज, 21 चर्म रोग मरीज, 15 पेट रोग मरीज, 26 उच्च रक्तचाप, 2 मानसिक एवं अन्य मरीजों ने शिविर का लाभ लिया। शिविर में साई समर्थन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर खरगोन के MD डॉक्टर रमेश नीमा, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक वास्के, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सपना चौहान, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास तलवारे, पेट रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर संतोष मौर्य ने मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया। डॉक्टर रमेश नीमा ने बताया कि शिविर के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों व गांवों के ऐसे मरीजों का लाभ पहुंचाना है जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण खरगोन या इंदौर जाकर उपचार कराने में असमर्थ होते हैं। डॉक्टर कुंदन गुप्ता ने बताया कि शुगर और उच्च रक्तचाप जैसे गंभीर बीमारियों के मरीजों गांवों में भी बढ़ रहे हैं। इस शिविर में भी शुगर और उच्च रक्तचाप के मरीज आए हैं, जिनका परीक्षण कर उचित जांच व उपचार के लिए समझाइश दी गई। क्षेत्र के गरीब लोगों को शिविर से फायदा हुआ, भविष्य में इस प्रकार के शिविर का आयोजन किया जाएगा। खरगोन के साई समर्थ हॉस्पिटल द्वारा मरीजों के लिए लगाया गया, जिसमें मेडिसिन के डॉक्टर, हड्डी रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, सर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट ने अपनी सेवाएं दी। और मैं डॉक्टर रमेश सिन्हा, मैं मेडिसिन से डिपार्टमेंट से हूँ, डॉक्टर वास्के आए थे, संतोष मोरे, डॉक्टर सपना चौधरी और डॉक्टर विकास तलवारा ये उपस्थित हुए, सपना चौहान और डॉक्टर विकास तलवार। और यहाँ पे मरीजों को हमने कोशिश की कि हम जितना अपना समय दे सकें और उनको पूरा इलाज कर सकें। ये भी हमने पाया कि यहाँ पे करीब 2 या 3 नए मरीज भी मिले, जबकि कैंप में करीब मेरे से 200 के करीब मरीज थे, उसमें से 3 नए डायबिटीज के पेशेंट मिलना या 3 प्रेशर का नया मरीज मिलना बहुत बड़ी बात है। सी गांव से जय गुप्ता की रिपोर्ट।